जिला हमीरपुर में ऑनलाइन परीक्षा के लिए नालंदा बीएड कॉलेज लासी में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। पहली बार एनडीए द्वारा जेई मेन का टेस्ट ऑनलाइन लिया गया, जिसमें परीक्षा केंद्रों में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नकल को रोकने के लिए परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ली गई। वहीं परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के लिए कॉलेज में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों ने कुछ विषयों को कठिन भी बताया। आज ऑनलाइन टेस्ट था, मतलब सिक्योरिटी अच्छी थी और मतलब एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की होती तो इजी था, बट थोड़ी बहुत फिजिक्स मुझे टफ लगी और सब ठीक था और अच्छी फैसिलिटीज़ थी, मतलब अच्छे से मेंटेन किया था सब। मेरे तो फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, तो फिर मतलब ऐसे तो ऑफलाइन भी होते हैं, पर इस साल एनडीए ने लिया है तो वो फिर ऑनलाइन ले रहे हैं। शालिनी, टेस्ट अच्छा था बट मेरी फिजिक्स में कमी लगी और मैथ्स में भी, केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया और ठीक था, सिक्योरिटी भी अच्छी थी। पहले मतलब पहले से सुविधाएँ ये थी कि हमें जो था वो ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था और जो पेपर है वो पेपर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, उससे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। वहीं अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने बताया कि 12वीं की परीक्षा से पहले बच्चों के एनडीए द्वारा जेई मेन के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जो कि एनडीए की एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ आज मेरा बेटा अपक्षम महाजन जो है वो एग्ज़ाम देने आया है, जो कि उसका जेई मेंस का एग्ज़ाम है, उसके तहत जो एनटीए वालों ने ये एग्ज़ाम रखा है कि इसको ऑनलाइन बच्चों में एक तो उनको सीखने का मौका मिलेगा कि एग्ज़ाम उनके एनुअल एग्ज़ाम जो प्लस टू के हैं उनसे पहले कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ये पहला इंस्टांस है। ये बड़ी एनटीए की बहुत अच्छी पहल है कि इसको ये कंडक्ट करवा रहा है। इससे बच्चे जो है इनका जो दूसरा एग्ज़ाम अप्रैल में है, यूजुअल पहले की तरह होता था, उसमें इन बच्चों को सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इसमें जो व्यवस्था मुहैया कराई गई है इनके द्वारा, इनके पास पार्किंग की फैसिलिटी भी अच्छी है और अंदर जो मॉनिटर है, जो मेरे बच्चे ने 8 तारीख को आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें बच्चे ने बताया कि अंदर जो है अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई गई। तो मैं सरकार से और ये एनटीए वाले इनसे यही आग्रह करूँगा कि अगर ऐसे सिस्टम जो हैं वो यहाँ हमीरपुर में हो रहा है, जैसे मैं मंडी से आया हूँ तो मंडी को भी हमीरपुर आना पड़ता है, कुल्लू को भी आना पड़ता है, तो ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक ज़िला में होने चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में जो उनका पैसा लग रहा है उससे छूट मिल सके और बच्चे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। अच्छा लगा, हम 8 तारीख को भी आए थे तो हमारा बेटा पक्षम महाजन यहाँ, उसने उस दिन भी एग्ज़ाम दिया तो आज भी एग्ज़ाम देने आया हुआ है, तो यहाँ की हमें व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और सब प्रकार से बहुत अच्छा रहा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी जा रही है, कैंडिडेट की एंट्री होती है, उसके बाद उनकी सबसे पहले बायोमेट्रिक की जाती है, उसके बाद सिस्टम नंबर अलॉट किए जाते हैं, उसके बाद हर लैब में इन्विजिलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, यदि कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम है तो इन्विजिलेटर उनकी पूरी हेल्प की जाती है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है कम्प्लीटली, पहले ऑनलाइन होता था बट आधा जो है वो ऑफलाइन होता था, तो इस बार कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो इसमें पूरी सिक्योरिटी है, कोई मतलब चीटिंग केस नहीं हो सकता, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब जगह चेक किया जा रहा है कि कोई भी कैंडिडेट वैसी है चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उन पर पूरी सर्वेलेंस जो है वो हमने लगाई हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग की हो रही है, तो कोई भी चीटिंग का केस नहीं हो सकता है। इससे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जो कैंडिडेट इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी मौका मिल रहा है कि वो अपनी सिलेक्ट हो सकते हैं जेई मेन में। मेरा नाम योगराज राणा है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ आईजेड हमीरपुर के सेंटर के लिए। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के तहत, इसमें काफ़ी बड़ा कारगर सिद्ध होगा ये, और बच्चों के लिए ये काफ़ी सिक्योरिटी वाइज भी ये है, इसमें 100% सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप बोलिए।